अब धीरे धीरे सुपर हीरो जॉनरा मूवीज पे एंटी हीरोज या आर रेटेड मूवीज बाजी मार रही हैं, क्योंकि सीधी सी बात है लाइन क्रॉस की जा सकती है। अब हाल फिलहाल में मैं दोबारा तिबारा आई थिंक 14 बार बर्ड्स ऑफ प्रे देख रहा था, और देखते ही देखते मुझे रियलाइज हुआ कि एक मिनट, ये सब तो पहले भी कहीं हो चुका है। इस बार हार्ली क्विन बर्ड्स ऑफ प्रे को क्लोजली एनालाइज करने के बाद मैं आज इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि डेडपूल और हार्ली क्विन में काफी सिमिलैरिटीज हैं। अब हाँ, मैंने इस वीडियो के टाइटल में कॉपीड लिखा है, मगर सबसे पहले मेरे दिमाग में यही वर्ड आया था, और मैं इस फ्री अपॉर्चुनिटी को जाने कैसे दे सकता हूँ। और आगे बढ़ने से पहले, हेलो एवरीवन, मैं हूँ पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। अब देखो, दोनों कैरेक्टर्स के बारे में हम जो भी बात करेंगे वो सारी की सारी मूवीज से होंगी, कॉमिक्स से कुछ नहीं उठाएंगे। और वीडियो देखने के बाद आपको ये आराम से अंदाजा हो ही जाएगा कि किसने कहां से इंस्पिरेशन उठाया है। तो सबसे पहले दोनों की पर्सनालिटी शुरू करते हैं। दोनों के पास बहुत ही कलरफुल पर्सनालिटी है। हार्ली को तो जानते ही हो कि वो कलर से कितना ऑब्सेस्ड है, उसके कपड़ों से लेकर उसकी गोलियां तक जान मारती हैं। और ठीक है, डेडपूल की जिंदगी में भी कलर्स की कमी नहीं है, मूवी का हर एक शॉट नए कलर पैनल को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर देखो दोनों की पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं, तो दोनों के बड़बोलेपन को कैसे छोड़ सकते हैं। ये चूतिया तो फेमस इसीलिए है, मर्क विद द माउथ, अबे तुम्हारी गर्लफ्रेंड की जान जाने वाली है और तुमको यहीं पे प्यार मोहब्बत की बात करनी है। और हार्ली को कैसे भूल सकते हैं, अब भले ही कैसेंड्रा को जेल से निकलवाने जाना था तो इतना ज्यादा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। प्लानिंग वोनिंग थी कि नहीं कुछ, कि जय माता दी बोल के घुस गई अंदर। यहाँ तक कि शहर की आधी जनता उसको मारने के लिए आई है, मगर बात करना नहीं भूलेगी। पर मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है। अब आगे की बात करें तो दोनों कैरेक्टर्स ने मूवी में एक बार नहीं कई बार फोर्थ वॉल को ब्रेक किया है। अब जब इतनी पर्सनैलिटी मैच कर ही लिए है तो मूवी में दोनों के सेंस ऑफ ह्यूमर की भी बात कर लेते हैं। मार खाने के बाद भी दोनों की नौटंकी चालू रहती है। अब डेडपूल का तो समझ में आता है कि भोसड़ी के पास हीलिंग फैक्टर है कि उसको महसूस नहीं होता होगा, मगर हार्ली का क्या, चाहे मार खाए या ना खाए बकचोदी चालू रहती है। अपने खाने तक को ऐसे देखती है कि अपने बच्चे को बड़ा होते देख रही है। दोनों ही कैरेक्टर्स ने मोस्ट अनयूजुअल और अनइमेजिनेबल जगहों पे अपना सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल किया है। अब जब इतनी सारी बात कर ही लिए हैं तो दोनों के बैकग्राउंड के भी बारे में जान लेते हैं। अब सिंपल से भाषा में, दोनों के कैरेक्टर्स ने अपने अपने बचपन में टॉर्चर झेला है। जैसे कि हार्ली क्विन ये खुद ही बताती है कि उसके बाप ने उसे एक कैथोलिक ऑर्फेनेज में छोड़ दिया था, जहां उसका पालन पोषण काफी अब्यूसिव वे में हुआ था। और ठीक इसी के अपोजिट डेडपूल ने भी मूवी में बताया है कि उसका बाप मां बनने से पहले ही कट लिया। बचपन में उसे सिगरेट के दाग दिए जाते थे, उसे कहां कहां नहीं छुआ जाता था, एक अलमारी में बंद करके उसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट होते देखा है, और ये सब बातें उसने मूवी में वैनेसा से मिलते समय कही है। अब ऐसा कहने से लड़कियां पड़ जाती है, मेरे को एक बार ट्राई करना चाहिए। तो खैर, इन बातों से ये बात तो समझ में आती है कि दोनों की कैरेक्टर की पास्ट लाइफ में काफी दर्द, अफसोस और बेवफाई छुपी है। मगर ये बात तो दोनों की पास्ट ही हो गई, इतना मैच होने के बाद भी इनका प्रेजेंट तक मैच होता है। जैसे कि दोनों हार्ली क्विन और डेडपूल जानते हैं कि किसी से पागलों की तरह प्यार कैसे किया जाता है, और दोनों ही कैरेक्टर्स अपने पार्टनर्स के लिए काफी जल्दी ही इमोशनली अटैच हो जाते हैं। अपने प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए दोनों कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी जान तक दे सकते हैं। जैसे कि जोकर ने जब उसे मरने के लिए कहा तो हार्ली ने एक बार के लिए भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। और ठीक जब डेडपूल 2 में जब वैनेसा का निधन हो जाता है तो डेडपूल भी अपने आप को मानना चाहता है, क्योंकि अपनी जान दे के ही वो उसके पास जा सकता है। तो यह बात तो दिखती ही है कि दोनों अपने प्यार के लिए काफी सीरियस है और अपने प्यार के लिए टोटली पागल है। अब कई लोग बोलेंगे कि हार्ली ने मूवी में तो जोकर से ब्रेकअप कर लिया था, तो मैं बोलता हूँ गुरु, जब उसने ब्रेकअप कर लिया था तब भी वो उसे चाहती थी। जैसे कि जब इस सीन में जब उस दीवार पे लगे जोकर आर्ट को वो चाकू मारती है, तो ठीक उसके बाद वो पुडिन नाम से अपने पैर पे टैटू बना रही है। ऐसे कैसे भुलाया जाता है किसी को यार, वो अभी भी जोकर से प्यार करती है, वरना उसको इतना याद क्यों करती। अब दोनों की लव लाइफ की बातें तो मैच हो ही गई। इसके अलावा अपने प्यार से मिलने के बाद भी दोनों ने टॉर्चर झेला है। जैसे कि मूवी में वेट सिर्फ वैनेसा की वजह से अपने आप को ठीक कराने जाता है कि शायद अगर वो ठीक हो जाता है तो वो बाकी की जिंदगी उसके साथ बिता सकेगा, और उसी प्यार के लिए उसने कितनी बार कई बार टॉर्चर झेला सिर्फ वैनेसा के लिए। और यही सिमिलरिटी हमें हार्ली क्विन में भी देखने को मिलती है। जोकर के साथ रहने के लिए वो जोकर से टॉर्चर तक झेलने के लिए तैयार है, सिर्फ उसके प्यार की वजह से उसने इतना झेला, वरना तुम जानते ही हो कि ये कैसी लड़की है। अब अगली और एक बहुत ही तगड़ी सिमिलरिटी आती है कि दोनों के दिलों में बच्चों के लिए एक स्पेशल सॉफ्ट कॉर्नर है। जैसे कि जब डेडपूल 2 की कहानी में डेडपूल रसल को बचाने के लिए अपनी मरवा लेता है, और बर्ड्स ऑफ प्रे में हार्ली कैसेंड्रा को बचाने के लिए इतने लोगों की मार लेती है, तो भाई ये सिमिलरिटी भी मैच करती है कि दोनों के दिलों में बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा लगाव है। अब देखो, दोनों के बीच के सिमिलरिटी का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। दोनों पैसों के लिए काम करते हैं। डेडपूल तो डेडपूल बनने से पहले भी पैसों के लिए काम करता था, और वो कभी कभी तो वो भी नहीं देखता था कि कौन अच्छा है कौन बुरा, जिसने पैसे दिए वो अच्छा है। और हार्ली क्विन भी ये काम करने चालू कर दी है, पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, और इसकी सर्विसेज यही नहीं खत्म होती। पैसों के लिए हिट वुमेन, बाउंटी हंटर, मर्सनरी, लॉस्ट एंड फाउंड का भी काम करती है, और यहाँ तक पैसे मिले तो तुम्हारे लिए लाइफ कोच और तुम्हारे कुत्ते तक को घुमाने लेके जाएगी। कसम से मेरे पास होते तो मैं उसको डेट पे लेके जाता। अब इसके अलावा ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है, ठहर के कहीं के। तो अब बताओ यार, अब तो दोनों का प्रोफेशन तक मैच कर रहा है, अब क्या लोगे? सिर्फ देसी, इंपोर्टेड कुछ नहीं।
दोनों के पास बहुत ही ज्यादा फैंसी पावर्स नहीं है। डेडपूल के पास हीलिंग फैक्टर है तो हार्ली के पास टॉक्सिन्स की इम्यूनिटी है जो दोनों को अपने अपने फील्ड में जिंदा रखते हैं। और दोनों ही कैरेक्टर्स बंदूकबाजी में काफी एक्सपर्ट हैं। भले ही डेडपूल कई सारे वेपन्स को चलाना जानता हो और उसे यूज भी करता हो, मगर वो अपने साथ अपनी कटाना जरूरी रखता है। और यही बात हार्ली में भी दिखती है। उसे भी बंदूकों से प्यार है, स्टोर करके रखती भी है, मगर वो अपने बेसबॉल बैट और हैमर को नहीं भूलेगी, क्योंकि दोनों ही जानते हैं कि लड़ाई में गोलियां कभी भी खत्म हो सकती हैं। तो जनाब, इतना सुन के तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि किस कैरेक्टर ने किससे किसका काम उठाया है। अब देखो, कॉपी वाली कोई बात नहीं है। आई एम श्योर कि अगर डेडपूल को भी ये बात पता चलेगी कि हार्ली और उसमें इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, तो वो भी ये बात माइंड नहीं करेगा। वो तो सिर्फ प्यार बांटता है, और तुम्हें भी बांटना चाहिए। जहां दुनिया में हेट बांटी जा रही है, तुम प्यार बांटो। और अगर आपको इस वीडियो में किसी भी एंगल से अगर कुछ लगता है कि कुछ सिमिलैरिटीज छूट गई हैं जो पीजे ने इस वीडियो में कवर नहीं की या छूट गई, तो उसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखा कुछ भी अच्छा लगा, खुशी में मजा आया, तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पर नया आया हो, सब्सक्राइब तुम्हारी देना इस चैनल को। और अगर ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।